हुआ, जो मनुष्य सनातन के लिए काम करता है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी कुछ दिन से आप देख रहे होंगे हमारे छोटे अनुज बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए कि अंधविश्वास फैला रहे, अंधविश्वास। अरे काय का अंधविश्वास, हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते उन्हीं की कृपा से करते हैं। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें, कहां से आ गया? जब वो सनातन की बात करते तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, जब वो क्रिश्चियनों को हम लोग पीछे ले परिवार में ले आते वो ले आए तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं, और जब कोई फादरी ऐसा करता है जो मंत्र फूंकता है और फिर वो आके अपने होश में आ जाता है उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। कोई मौलवी जाके तमाम उल्टे सीधे बातें करता रहता है और जन का क्या करता है उसके लिए कोई अंधविश्वास नहीं कहता, लेकिन जब सनातनी कोई करे तो पता नहीं कहां से लोग अंधविश्वास का नाम लेकर उसका निशाना बनाकर उसे बदनाम करने की प्लानिंग करते हैं। मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूं, जो भी बहुत कम लोग हैं जो सनातन के लिए अपना मुंह खोलते हैं, उनमें से एक है मेरा छोटा भाई बागेश्वर धाम वाला छोटा भाई। मैं उन महाराज का आदर करता हूं, और यहां से बैठकर इतने हजारों की तादाद में छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है, हम मिलकर सनातन का आगे कार्य करेंगे, चाहे और कुछ भी झेलना पड़े झेलेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे हनुमान चालीसा में है कि नहीं? क्या तुलसीदास जी अंधविश्वास फैला रहे हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, तुलसीदास जी ये फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं? क्या बात करते हो आप? हम किसी के विपक्ष में नहीं है, लेकिन हमारे सनातन को कोई टारगेट करे, सनातनी